गाइस अस्सलाम वालेकुम, प्रोडक्ट रिव्यू चैनल एंड ब्यूटी टिप्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोज़ हिप फेस मास्क के बारे में, गुड वाइब्स के। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट का एक एक करके मैं रिव्यू आप लोगों के साथ लेकर आ रही हूँ। उसका रीज़न ये है, मैंने एक साथ सारे प्रोडक्ट का रिव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहले मैं एक एक चीज़ मतलब पहले मैंने गुड वाइब्स के मैंने एक बार भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करे थे। पहले मैंने गुड वाइब्स के प्रोडक्ट मंगाए, उसके बाद यूज़ करके देखे, उसके बाद आप लोगों के साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो इसका रीज़न एक यही है, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के वजह से आप लोगों के साथ एक एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं थोड़े दिन तक अपने प्रोडक्ट को यूज़ करके देखती हूँ, देन उसके बाद जब मुझे खुद उसका रिज़ल्ट पता चल जाता है, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करूँ। तो ये है गुड वाइब्स का रोज़ हिप का फेस मास्क, ये देख सकते हैं आप लोग। 240 इसकी MRP है। देन ये मुझे सस्ता मिला था, थोड़ा मतलब ऑफ़र में ही ख़रीदते हैं। पर्पल पे बहुत ज़्यादा ऑफ़र अवेलेबल रहते हैं, कभी कोई सा रहता है, कभी बाय टू गेट टू फ्री का ऑफ़र होता है, कभी 20% ऑफ, 50% ऑफ, ये सब लगा रहता है। तो आप लोग कोई से भी अच्छे से ऑफ़र में इसको ख़रीद सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ सकता है। तो ये है स्किन ग्लो, ये स्किन ग्लो के मतलब ये जो फेस मास्क है इसका मतलब ये है, स्किन ग्लो के लिए है, ये आपकी स्किन ग्लो करेगी। फेस मास्क भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फेशियल में फेस मास्क ज़रूरी होता है। देन अगर आप लोग घर में अपनी स्किन केयर रूटीन करना चाहते हैं, स्किन केयर रूटीन में आपको फेस मास्क के बिना आपकी स्किन केयर रूटीन बिल्कुल अधूरी है। तो फेस मास्क है, स्क्रबिंग हो गया, मास्क हो गया, जेल हो गया, क्लेंजिंग हो गया, यही हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये रही रोज़ हिप की, इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएंट होते हैं। पपाया का है, रोज़ का है, ये रोज़ हिप का है, टी ट्री का है। टी ट्री मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है। अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो आप लोग टी ट्री वाला यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे रोज़ हिप का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, रोज़ हिप के प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा सूटेबल रहते हैं क्योंकि ये स्किन को एक स्किन के ऊपर एक ग्लो छोड़ जाता है। ख़ास ख़ास बातें मैं बताती हूँ, इंग्रेडिएंट्स पढ़ने में मैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, ना ही आप लोगों का टाइम वेस्ट करती हूँ। ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स देख कर कौन प्रोडक्ट ख़रीदता है यार आज के ज़माने में। मुझे तो इतना पता है कि मेरी ऐसी स्किन है तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट ही सूट कर जाएगा, देन वही होता है, जो मैं प्रोडक्ट मंगाती हूँ वो मुझे सूट कर जाते हैं। और टी ट्री वाला मैं खुद ही यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरी ऑयली स्किन नहीं है, ऑयली स्किन वालों के लिए टी ट्री वाला बेस्ट रहता है। तो ये रहा मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसको भी मैंने कम से कम 7-8 बार यूज़ कर चुकी हूँ। मैं इसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया, हफ्ते में आप लोग इसको 2 बार यूज़ करके देखें, 1-2 बार यूज़ करने के बाद इस पता नहीं चलता है। मैंने भी इसको पूरा 1 महीना यूज़ कराया, हफ्ते में 2 बार लगाया, उसके बाद मुझे इसका रिज़ल्ट देखने को मिला है। तो अगर आप लोग अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसको हफ्ते में 2 बार लगा कर देखें, हफ्ते में 2 बार लगाएंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और भी गुड वाइब्स के प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने पिछली वीडियो में डाला है, अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। सो गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।